हम लोग पार्ट वन में 1 से 25 तक प्रश्नों को देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं 26 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को। ठीक है, अगर आप लोग चौकीदार का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, चाहे आप पूर्वी सिंहभूम के हो या धनबाद, देवघर, रांची, हजारीबाग, जामताड़ा, साहेबगंज या सरायकेला खरसावां या जहां अभी तक एग्जाम नहीं हुआ चौकीदार का, सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लोग पहला पार्ट में 1 से 25 तक कवर कर चुके थे झारखंड जीके को, आज हम लोग कवर करने वाले हैं 26 से। और जितना ही प्रश्न आप लोग हम करा रहे हैं, सारे प्रश्न तो एग्जाम को देखते हुए करा रहे हैं। ठीक है, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न है और जो आने की संभावना है दोस्तों, सिर्फ हम वैसा ही प्रश्नों करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, झारखंड राज्य गठन एकीकृत बिहार के कितने भूभाग से बना है, यानी कितना प्रतिशत भूभाग दोस्तों झारखंड को मिला था जब बिहार से अलग हो रहा था झारखंड। देखिएगा 46% पूरा, ठीक है, पॉइंट नहीं, 46% पूरा मिला था झारखंड को। ठीक है, बाकी 54% बिहार अपने पास रखा था और 46% झारखंड को दिया था और झारखंड अलग हो गया। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है, झारखंड राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है, देखिएगा 15वां स्थान है। ठीक है, पूरे भारत का बात करें, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड कितना है, 15वां स्थान पे। इसका मतलब क्या है, 14 राज्य ऐसा है भारत में जो झारखंड से बड़ा होगा, तब ना हमारा झारखंड 15वां स्थान पे आ रहा है। ठीक है, देखिएगा 14 ऐसा राज्य है जो हमारे झारखंड से बड़ा है, इसलिए हमारा झारखंड 15वां स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड राज्य से सटे राज्यों की संख्या कितना है, झारखंड राज्य से सटे राज्यों की संख्या कितना है दोस्तों, देखिएगा 5 है। हम लोग पांचों के नाम बता सकते हैं, कौन कौन झारखंड से सटा हुआ है, चलिए हम कुछ बताते हैं, आपको कुछ बताना है। ठीक है, हम ये बताते हैं, बिहार सटा हुआ है, यूपी सटा हुआ है, ठीक है, बंगाल सटा हुआ है, छत्तीसगढ़ सटा हुआ है, और एक आपको बताना है कमेंट में, 4 बता दिए और एक आपको बताना है। ठीक है, और कौन सा एक राज्य सटा हुआ है, चलिए बता देते हैं, एक उड़ीसा सटा हुआ है। ठीक है, तो 5 जो राज्य दोस्तों वो झारखंड से सटा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड राज्य का सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्व में कौन सा जिला है, देखिएगा पाकुड़ है सबसे पूर्व जिला, देखिएगा तुम सबसे कोना में इधर जाओ, इस तरह जैसे झारखंड है ना, इस तरह बना, मतलब इस तरह है, सबसे कोना इधर मिलेगा झारखंड, इधर मिलेगा मतलब पाकुड़ सबसे अंत में। ठीक है, आप लोग मैप को देखिएगा, सबसे पूर्व यही होता है, क्योंकि पूर्व इधर होता है। ठीक है, पूर्व इधर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है, अगर पश्चिम की बात करें तो फिर गढ़वा हो जाएगा। ठीक है, गढ़वा सबसे पश्चिम में, इस तरह अगर झारखंड है इस तरह करके, है ना, तो यहां पर गढ़वा है सबसे पश्चिम में। ठीक है, चलिए मैप हम डायरेक्ट बना रहे हैं समझने के लिए, आपको मत समझिएगा झारखंड ऐसा दिखता है, बढ़िया से बनाने में समय लगेगा। चलिए 31 नंबर देखिए, झारखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला है, अब उत्तर में मतलब बिहार की तरफ कौन है भाई सबसे उधर, देखिएगा साहेबगंज है, साहेबगंज सबसे उत्तर जिला में आता है। ठीक है, तो ये सब याद जरूर रखिएगा, ये सब प्रश्न की जगह पूछेगा। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हम छाट छाट के प्रश्नों को ला रहे हैं। ठीक है, जहाँ तहाँ से प्रश्न उठा नहीं लाए हैं। 32 नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है, अब दक्षिण की बात करें तो फिर पश्चिमी सिंहभूम होगा। ठीक है, ये चारों दिशा अब लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन सा जिला सबसे अधिक है ना, तब सबसे दक्षिणी जिला, तो सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पूर्वी जिला, सबसे उत्तरी जिला कौन है, इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा ये चारों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 33, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल है, तो सबसे बड़ा प्रमंडल दोस्तों उत्तरी छोटानागपुर है। अब लोग कमेंट करके बताएंगे उत्तरी छोटानागपुर के अंदर कितना जिला आता है, इसके अंदर कितना जिला आता है। ठीक है, कितना जिला इसके अंदर आता है उत्तरी छोटानागपुर, कि सबसे बड़ा प्रमंडल है तो सबसे अधिक जिला इसी में होगा, तो कितना जिला आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कुछ कुछ होमवर्क आप लोगों को भी देना होगा, तब ना आप लोग पढ़िएगा। चलिए 34 नंबर देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल है, सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, पलामू है, सबसे छोटा पलामू है,
इसमें कितना है दोस्तों जिला, इसमें तीन है, एक बता देते हैं, इसमें तीन तीन है इसमें परमंडल पलामू में, ठीक है, पलामू परमंडल में तीन है और कोल्हान में भी तीन है, ठीक है, यह देखिएगा पूछेगा। चलो अगला देखिए 35 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है, तो सबसे बड़ा जिला आप जानते हैं पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है, कौन सा जिला है सबसे बड़ा जिला, पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा। फिलहाल प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्षेत्रफल की दृष्टि से दृष्टिकोण से राज्य का सबसे छोटा जिला है, राज्य का सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा रामगढ़ है, सबसे छोटा रामगढ़ है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, देखिएगा, मध्य प्रदेश के साथ नहीं करता है, पश्चिम बंगाल साथ करता है, उड़ीसा साथ भी टच करता है, यूपी उत्तर प्रदेश साथ भी टच करता है। यूपी से दोस्तों सिर्फ एक ही जिला टच करता है, वो है गढ़वा, गढ़वा एक ही जिला टच करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि पर अवस्थित है, ब्रह्मपुत्र ये सब कहां से आ गया जी, ये सब नहीं होगा। झारखंड पूर्वी हिमालय क्षेत्र में, पूर्वी हिमालय, हिमालय भी नहीं होगा। पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्व क्षेत्र में है, पश्चिम झारखंड के पूर्व में है, हाँ बिल्कुल सही है, पूर्व में ही पश्चिम बंगाल है, तो ये तो सही है। छत्तीसगढ़ झारखंड के पूर्व में है, वो तो उत्तर पूर्व में, नहीं उत्तर पूर्व नहीं दोस्तों, ठीक है, ये दक्षिण में है छत्तीसगढ़, नहीं दक्षिण नहीं दोस्तों, पश्चिम में है, ठीक है, पश्चिम में, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी सिर्फ एक सही है वाला, ऑप्शन नंबर सी सही दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखो, झारखंड राज्य के कितने जिले दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, देखो झारखंड राज्य के कितने जिले दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, अच्छा दूसरे जिले दोस्तों स्पर्श नहीं करता ही रहना चाहिए, एक सेकंड, यहां पर नहीं करता है, ठीक है, कितना ऐसा झारखंड ऐसा जिला जो किसी भी राज्य को टच नहीं करता है, देखिएगा दो जिला, ठीक है, दो जिला स्पर्श नहीं करता है, कौन बोला, देखिए एक खूंटी है, खूंटी किसी भी जिला को टच नहीं करता है, खूंटी आप लोग मैप में भी देख लीजिएगा, अरे कि लोहरदगा, ठीक है, लोहरदगा, ये दो ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य को टच नहीं करता है, बाकी सभी जिला टच करता है कोई ना कोई राज्य को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सिमडेगा जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है, देखो सिमडेगा जिला किस राज्य के जिला को स्पर्श करता है, तो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए 41 में देखिए, दुमका एवं साहेबगंज जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, देखिए दुमका एवं साहेबगंज जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, देखिएगा बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों करता है, बिहार पश्चिम बंगाल दोनों दोस्तों दुमका और साहेबगंज टच करता है, ठीक है, याद रखिएगा दोनों हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला है, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिला किस राज्य की सीमा स्पर्श करता है, किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है, तो याद रखिएगा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों को, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी, एकदम सबको रटा मार लीजिएगा, ठीक है। गढ़वा जिला किन राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, गढ़वा जिला देखिएगा बिहार छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश तीनों करता है, गढ़वा एक ऐसा जिला है जो तीन राज्य को अकेले स्पर्श करता है, बिहार को भी टच करता है, छत्तीसगढ़ को भी टच करता है, उत्तर प्रदेश को भी टच करता है, ठीक है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44, गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के किस जिला से अपनी सीमा साझा करता है, किस जिला से अपनी सीमा साझा करता है, देखिएगा गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कौन सा जिला से टच करता है, देखिएगा सोनभद्र जिला से, है ना, यूपी का सोनभद्र जिला है, वह जिला से दोस्तों गढ़वा जिला टच करता है, ठीक है। झारखंड का एकमात्र जिला है गढ़वा जिला जो यूपी से टच करता है, यूपी कौन सा जिला से, तो सोनभद्र जिला से टच करता है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं, कहीं से भी प्रश्न पूछ दे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, बस हम लोग का पर्पस है एग्जाम में प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। पता नंबर देखिए,
पश्चिम बंगाल राज्य झारखंड के किस दिशा में है अवस्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य झारखंड के किस दिशा में है? तो ये तो पूर्व में है, हल्का लोग पश्चिम बंगाल बोलते पश्चिम मत समझिएगा, काफी बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल बोलते हैं मतलब पश्चिम मत समझिएगा, पूर्व में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। छोटा छोटा गलती नहीं करना है। चलो समय देखो, छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? अब छत्तीसगढ़ पूछ रहा है तो छत्तीसगढ़ दोस्तों किधर हो जाएगा? पूर्व इधर होगा तो पश्चिम, पश्चिम में हो जाएगा, पश्चिम साइड में है, ऐसा होता है ना जी। तो यह हो गया पूर्व, यह हो गया पूर्व पश्चिम। अच्छा एक सेकंड रुक रहेगा, एक सेकंड मैं वो गलत लिख रहा हूँ, उत्तर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम ऐसा होता है ना जी। तो इस साइड में है, ठीक है, पश्चिम साइड में है छत्तीसगढ़, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़े समय देखो, बिहार राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? बिहार राज्य, तो बिहार राज्य तो उत्तर में है, ऊपर तरफ है, तो उत्तर हो जाएगा, उत्तर उत्तर उत्तर, ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 48 है, उड़ीसा राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? उड़ीसा राज्य झारखंड किस दिशा में अवस्थित है? देखेगा दक्षिण, दक्षिण में, ठीक है। उड़ीसा राज्य झारखंड के किस दिशा में है? तो दक्षिण में, मतलब नीचे साइड है, ठीक है, दक्षिण में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, देखिएगा उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम में है, इसे माना था इस तरह करके हमारा झारखंड इस तरह है, मान लेते एकदम यहाँ पर गढ़वा टच करता है ना, तो एकदम इस टाइप का, तो इधर उत्तर ऊपर हो गया उत्तर, नीचे दक्षिण पूर्व, तो इधर हो गया पश्चिम, इसलिए बीच हो जा रहा है, देखो ये बीच में हो जा रहा है उत्तर पश्चिम, इसीलिए उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 50 है, पश्चिम बंगाल झारखंड के किस जिले से सीमा साझा करती है? पश्चिम बंगाल झारखंड के कितने जिलों से, कितने जिलों से, देखिएगा 10 जिला, ठीक है, 10 जिला है दोस्तों झारखंड का जो पश्चिम बंगाल से टच करता है, पश्चिम बंगाल से टच करता है। तो पूछेगा अगर प्रश्न तब लोग यहाँ से बना लीजिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, बिहार से भी 10 जिला टच करता है, क्या बिहार से भी झारखंड का 10 जिला टच करता है और पश्चिम बंगाल से भी 10 जिला टच करता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, दोनों जगह 10 जिला टच करता है, ये तो पश्चिम बंगाल पूछे या तो बिहार पूछे, आपको 10 ही लगाना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे दोस्तों 50 तक, एक दो प्रश्न और देख लेते हैं, 51 और देखो, छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के कितने जिलों से सीमा साझा करती है? छत्तीसगढ़ देखिएगा 4, छत्तीसगढ़ से मात्र 4 जिला, बिहार से 10, बंगाल से 10 और छत्तीसगढ़ से 4, ठीक है। अगला आते हैं बिहार से कितना, तो बिहार से जस्ट बता ही रहे थे 10, तो इसको पढ़ने जरूरत नहीं है, बिहार से 10 जिला टच करता है झारखंड का। चलो आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा राज्य झारखंड के कितने जिले से सीमा साझा करती है? उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य से भी 4, यानी छत्तीसगढ़ से 4, उड़ीसा राज्य से भी 4, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आप देखो उत्तर प्रदेश झारखंड कितने जिले को साझा करता है? उत्तर प्रदेश, तो पहले बता एक ही जिला है उत्तर प्रदेश से टच करने वाला, वो कौन है दोस्तों? गढ़वा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? कितना देश, झारखंड कोई भी जिला किसी देश के साथ साझा नहीं करता है, ठीक, खाली राज्य के साथ साझा करता है, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमा साझा करता है? पश्चिमी सीमा, ठीक है, पश्चिम साइड वाला, देखिएगा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को साझा करता है ना, दो जिला करता है। अगला प्रश्न है, चलिए हम लोग इतना ही देखते हैं आज के लिए, हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, हम लोग 56 तक फाइनल लोग देख लिए, ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब लोग वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।